कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, देखो हमर छत्तीसगढ़ के किसानी बूता बड़ मेहनत के बूता है, और भिनसरहा ले उठ के रतिहा तक कमाते तब किसान मन चार पैसा कमाते, आमदनी भी अच्छा लेते। लेकिन आज के समय में देखन संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के किसान मन आधुनिक खेती करत है, वैज्ञानिक खेती करत है, जेकर से वो मन आर्थिक आमदनी ज़्यादा हुआ थे। संगवारी हो, हमन साग बूटा साग भाजी के बात करन तो किसानी बूटा में किसान मन है साग भाजी के भी आधुनिक तरीका से खेती करत है। अब जैसे संगी हो, मैं कद्दू वर्गी साग के बात कर रहा हूँ, जिसमें करेला सबसे बड़ा महत्व साग है, ओकर भी गजब मांग है बाजार में। तो किसान मन आधुनिक खेती कैसे करते, आप मन कार्यक्रम के माध्यम ने जानता हो। तो संगवारी हो, करेला खेती के बारे में चर्चा करबेज करबो, लेकिन ओकर पहली है आप मन पर कुछ तकनीकी संदेश, ओला देखो। किसानों को ये उम्मीद करते हैं किसान भाई जो परंपरागत खेती करते हैं उसके साथ साथ उनकी जो दैनिक आवश्यकता है, क्योंकि हर किसान परिवार को सब्जी और फल की आवश्यकता होती है। तो हमारा ये संदेश है कि हर किसान भाई जिसके पास 200 से 300 स्क्वायर मीटर खाली ज़मीन हो और जिसके परिवार के सदस्य की संख्या 4 से 5 है, ऐसे किसानों को ये सलाह दी जाती है कि अपने घर पर अपने बाड़ी में पोषण वाटिका ज़रूर लगाएँ। पोषण वाटिका का उद्देश्य ये है कि साल भर जो उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से फल, सब्जी और फूल की प्राप्ति हो, जो अपनी उनकी खुद की दैनिक आवश्यकता है वो पूर्ति कर सके। किसान भाई उसमें कम से कम टमाटर के 20 पौधे, बैंगन के पौधे, मिर्च के पौधे, कद्दू वर्गीय सब्जी हैं उसके पौधे ऐसा लगाएं, और फलदार वृक्ष में जो डेली आवश्यकता पड़ती है, जैसे मुनगा एक फल होना चाहिए, नींबू का होना चाहिए, अमरूद का होना चाहिए, आम का होना चाहिए, जो उनकी आवश्यकता है वैसा ज़रूर लगाएं, जिससे उनकी पारिवारिक आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकता है, वो सब्जियों और फलों के रूप में पूरी हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये है कि किसान को शुद्ध और ताज़ा फल और सब्जी अपने खेत से तैयार मिलेगा, और दूसरा ये है कि किसान भाई के पास जब खाली समय होते हैं उसमें अपनी बाड़ियों में जाके फल और सब्जियों की खेती कर सकें। और अगर किसान भाई सक्षम है तो 200 या 300 स्क्वायर मीटर की जो पोषण वाटिका होगी उसको चाहे तो चारों ओर फेंसिंग के रूप में करौंदा के पौधे लगा सकते हैं, जिससे जानवर भी नहीं आ पाएंगे, दूसरा उससे फलों के रूप में अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो जाएगी। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें, जैसे मेड़ है उसमें मूली लगाएं, मिर्च लगाएं, धनिया लगाएं, ऐसी जो आवश्यकता है साल भर उनको फल और सब्जी प्राप्त होती रहेगी। इससे किसान भाई को जो पर मंथ जो मंथली खर्चा है सब्जी और फल का, वो उनसे आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तब संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हम उनको बात करबो, चर्चा करबो कि हम व्यावसायिक रूप से करेला के उन्नत खेती कैसा ढंग के कर सकन, ये विषय में। और यही विषय में चर्चा करे बार आज हमारे संग में हवे राजू राम निषाद जी। निषाद जी, हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारे संगवारी मन आप मन टीवी के माध्यम से देखा थे, और ये मन जानना चाहते निषाद भैया कि आप मन खेती बाड़ी के ये बूटा ला कतेक समय हो गया, आप मतलब करत के साल हो गए? ऐसे तो 20-25 साल हो गया करा। जब माटी का अपन तैयारी करता हो, कौन से यंत्र के हल चलाते हो, धन ट्रैक्टर से जुताई करते हो, और कैसन टाइप के आप मन होकर के हल जुताई करते? ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर में मतलब वो 3 बार 4 बार मतलब करता है, उसके बाद रोडर चलाता है ढेला फोड़ने का। उसमें माटी भुरभुरा करना पड़ता है, ओकर बाद क्यारी का काम करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। अच्छा भैया, ये क्यारी ला अपन बनाते हो, एक कोई मापदंड होत हो ही कि कैसन ढंग के हम लोग क्यारी बनाना है, कितना कितना दूरी में अपन ला मांदा बना लगते? वो है उसका नाप से उसका क्यारी का लेवल करके बनाना पड़ता है, कम ज़्यादा के जैसे भी बेसिक ने। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है भैया। और संगवारी हो, ये बात ला हमारे कृषि वैज्ञानिक मन, हमारे वैज्ञानिक मन घलो कही थे कि अगर आप मन नार वर्गी फसल लगा था, तो आप मन जिन मांदा के इस्तेमाल करा सो कि सारा
जितना भी फसल है सबके तालिका बने हुए हैं संगवारी हो, कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से आप मन जानकारी लेकर के बढ़िया वो मांदा के भी एक अच्छा साइज ला बना सकत हो। और जैसे कि राजू भैया बताते कि हमने मेरे मांदा ला खिंचवाए हैं, अब एक बात भैया हम जानना चाहबो कि हम एक बाद में मैं खाद के रूप में का डालते हैं शुरुआत में और वो कतका दिन बाद छोड़ देते हैं? वो गोबर खाद डालते हैं, मतलब जैसे भी डालना जैसे बीज उजना जैसे कोई भी थरहा गोबर खाद मतलब सब डालते हैं। हाँ ओकर बाद तो फिर यूरिया गुड़मोर सब डालबे करते हैं। अब एक बाद में हम बात करते हैं कि ये जो बीज हम लाथन भैया कैसन ढंग के बीज होना चाहिए, प्रमाणित बीज होना चाहिए, मतलब उपचारित कैसन ढंग के करना चाहिए, का बीज आप मन उपयोग करे हो, करेला के बीज कौन से बीज है? प्रमाणित बीज लाते हैं पूरा सब लोग वहाँ से, मतलब प्रमाणित बीज पूरा लगते हैं। बहुत बढ़िया आप जानकारी हमारा संगवारी मल्ला बताया हो और एक बाद में हूँ चर्चा करबो हमन ढेर अकन चर्चा करबो। फिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए हो, हमारे संगवारी मन से गोड़ बात करे हो। भीमलेश भाई रुक 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 एक कनिक रुक जा, बेरा हो गए संगवारी मन पर कुछ खास संदेश आउ दिखाए के, ओकर बात ते हैं किसान मन से या विशेषज्ञ मन से फिर चर्चा करबे भीमलेश भैया, तो मैं रोकत हूँ आपला और किसान भाई हो आप मन पर है कुछ खास ओला देखो। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है, अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है ए सी ए बी सी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36-44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। ए लो, और बताओ? बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। संगी हो चलन फेर करेला के उन्नत खेती के बारे में चर्चा सुने बर और चर्चा सुने बर फेर जाल पड़ी हमला भीमलेश भैया जगह, तो चलो भीमलेश भैया के तीर करेला खेती के जानकारी ले बर। तो संगवारी हो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है और जैसे कि आज हम गोट बात करत हन, चर्चा करत हन कि व्यवसायिक रूप से हम करेला के खेती ला कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में हमारे अगला किसान भाई अभी जन हम से गोट बात करी। किसान भाई का नाम है आपके? शोभाराम साहू। साहू जी हमारे कार्यक्रम में आपके स्वागत है और जिसे आप अभी बातचीत चला थे हम करेला के विषय में अंगोठियात है ना, आप मन करेला खेती ला सुघर करत हा भाव, ये जन करेला के बीज ला बोए के बाद आप मन है मेरे मंडप के बढ़िया तैयारी करे हो, कैसन ढंग के कर तैयारी करे हो, कब मंडप लगाए हो, कैसन उद्यम करे हो? शुरू में बल्ली गढ़िया
बांस, ओकर बाद तार खींचे हन, तार खींच के रस्सी बांधे हन। अच्छा। 10 फीट के अंतर्गत है बल्ली है। ये टपक सिंचाई विधि जो हबे ये कर बार आप मन हा कैसन ढंग के टाइम टाइम में पानी देता हो, के बार पानी दे लगते? 4-4 दिन में। अच्छा, पानी ला दे के जो समय होते वो सुबह के होते कि शाम के होते? शाम को। एक का कारण से हम शाम के ही पानी देना अच्छा समझते? धूप ज्यादा तेज रहते तेकर से शाम के देना पड़ता है। ताकि पानी है उड़े मत, वो हमारे जमीन में रहा है, वो रहे रहा है ना। हाँ। तो ये समय जब आप मन है करेला के खेती लग करा था, कतेक दिन के ये खेती होते? 1.5 महीना 1.5 महीना ऐसे एवरेज लगते। अच्छा अच्छा, मतलब 1.5 महीना 1.5 महीना के अंतराल में फल फूल लगे बर शुरू हो जाते। बहुत धन्यवाद आपके, बहुत सुघर जानकारी आप हमर संगवारी मतलब दे हुए कर बर। संगी हो, गीत संगीत के बेरा हो गए है, और गीत संगीत छत्तीसगढ़ के ऐसे है जैमें मन हरिया जथे, काम बूता करत करत कर्मा ददरिया सुबह इसे गुनगुनावत रिवेत काम बने होते। तो आओ देखो बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक गीत। बैठे बरे आबे पीपरे तारी घर, माया लगे हाबे ये बही तोर बर। बैठे बरे आबे पीपर तारी घर, माया लगे हाबे ये बही तोर बर। बैठे बरे आबे पीपर तारी घर, माया लगे हाबे ये बही तोर बर। राजा तुम्हारे सजनी
अभी संगवारी हो आप मन गीत संगीत ल सुने हो सुघर लागिस होही आप मन ल गीत संगीत हा। फिर आज हमन जिन विषय में चर्चा करत हन कि व्यावसायिक तौर पे करेला के खेती हम कैसन ढंग कर सकन, हमारे युवा किसान हवे जगर से हमन आज फिर गोट बात करत हन कि हम हाँ करेला के व्यावसायिक खेती कैसन ढंग के कर सकन ये विषय में। और हमारे संग में हवे हमारे किसान भाई ओम प्रकाश निषाद जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। और जैसे कि आज आप मन अपन खेत में करेला के खेती करे हव है ना, और करेला के खेती करे बार आप मन हाँ कैसन ढंग के उदिम ल करे हो, जमीन के तैयारी ल कब से शुरुआत करे हो, कौन से महीना से जमीन के तैयारी करे हो, के बार जोताई करे हो, विस्तारित बता। जमीन के जोताई अपन फरवरी से चालू करे हैं, तो तीन बार अपन नौनास वाला है पावर टिलर से, ओकर बाद रोटोवेटर चला के मिट्टी भुरभुरा करके, ओकर बाद मांदा खींच के मांदा के बीच में अपन गोबर खाद है यूरिया डीएपी ग्रोमोट डाल के पटिन करे के बाद अपन ड्रिप भी छा के फिर वहाँ एक एक फीट में करेला के बीज डाले हैं, ओकर बाद फिर पानी चालू करें। हाँ तो ओम भैया जिसे आप मन बताया हो कि हम जो खेती खेत के तैयारी लग करे हैं, एमा आप मन जब जिस समय मांदा खींचे हो या मांदा के दूरी कितना दूरी में एक मांदा करेला बर्क होना चाहिए? मांदा की दूरी पाँच पाँच फीट है। पाँच पाँच फीट के दूरी जो मांदा के दूरी होना चाहिए। अब जब हम बीज के बात करते हैं, काबर की बीज है सर्वोपरि है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कौन से प्रकार के करेला के बीज आप मन लगाए हबो और ये लगाए के का विधि है, आप मन नर्सरी तैयार करे हो कि डायरेक्ट अगला खेत में बोए हबो? करेला के बीज है हाइब्रिड लगा था ना, हाइब्रिड बीज है पर लगाए के पद्धति अपन नर्सरी भी डाल सकते हैं, नहीं है तो अपन डायरेक्ट बीजा ला जर्मेशन करके दो दिन पानी मिंगा के जर्मेशन करके डायरेक्ट जमीन में लगा देते हैं। तो अपन जिसे अगर मान लो नर्सरी तैयार करके बीज ला रोपण करते हैं और अमन डायरेक्ट अगर हम खेत में बोआ थन भैया, का अंतर होत हो ये दोनों के बीच में? दोनों में उत्पादन एक ही है, और जैसे अपन खेत की तैयारी नहीं हुए तो टाइम है तो वहाँ का नर्सरी डाल के अपन पहले से रख देते हैं। हाँ प्री प्लानिंग का हो जाते वो बहुत अच्छा बात ला बताया हो भैया। संगवारी हो ये बहुत विशेष बात ला हमारे किसान भाई बताई से कि आप मन हाँ यदि खेती किसानी के बूता में अगर पिछवा गए हो तो नर्सरी ला पहले ले डाल सका था वो, अबर कि नर्सरी के पौधा ला बढ़े में टाइम लगते या वो पौधा के लिए बढ़त ले आप मन हाँ बढ़िया खेती के तैयारी ला जमीन के तैयारी ला कर सका था वो। भैया ये जिन बीज आप मन करेला के बोए हबो ये माँ आप मन हाँ मंडप विधि से आप मन लगाए हबो, जनरली तौर पे जो पहले के किसान भाई पूर्व किसान भाई मन है तेन मन है तो जैसन पाई वैसन बो देवदरी से, ये मंडप विधि जो सिस्टम से आप मन लगाया हो ये कतका कतका दूरी में लगाया हो, एक बार आप मन लग कतिक लागत आगे सो ही एकड़ पीछे? ये माँ एकड़ पीछे 25,000 है, बांस लगाना है, तार है, रस्सी है, लेबर खर्चा है, 20-25,000 खर्चा हो जाता है एकड़ पीछे। ये जन करेला के हम खेती के बात करत हन, ये करेला कतेक दिन के फसल होत हो ही, के बार हम एक तोड़ाई कर सकत हन, शुरुआत जब होते कि कितना दिन में एक फल फूल आए के शुरुआत हो जाते? शुरुआत तो 45-50-55 दिन में चालू हो जाते फूल फल आए के, कर बाद दो महीना चलते अगर बाद साफ करके फिर दूसरा फसल लगाते। ये जो समय में भैया करेला के फूल और फल आए लगते तो ये में रोग घलोक आवत हो ही कोई ना कोई प्रकार के, कैसन कैसन प्रकार के रोग आते होकर बर हमन का उपाय ला करते हैं, का दवाई ला डालत हो? हाँ जैसे करेला में कुकड़ीपन हो जाते पीला होते तो उमा का है अपना रोगर है नवान डाल सकते हैं ये सबके, और ये सबके जानकारी आप मन ला कहाँ ले मिलत हो ही, कैसन ढंग के आप मन जानकारी पाता हो? ये कृषि विस्तार अधिकारी है, जैसे अपन से जो बड़े बड़े फार्मर है जेकर उनसे घूम के अपन पता कर करके अपन करत हैं। हाँ बहुत अच्छा बात ला बताया हो। और संगवारी हो यही तो मेन मुख्य बात होते कि आजकल जिन खेती किसानी के बूता है जिमा सरकार हा विभिन्न प्रकार की योजना घलोक देवत हा भैया, और वो योजना के लाभ उठाना आप मन ला जरूरी है, एक बार आप मन ला जागरूक होला पड़ी। और जैसे कि संगवारी हो आप मन जानत हो कि आजकल योजना में विभिन्न प्रकार के योजना में टपक सिंचाई योजना हवे, कई प्रकार के बोरवेल योजना हवे, तो हमार किसान भाई है कैसन ढंग की योजना के लाभ उठाए ओला जानबो। किसान भाई आप ये मेरे दिखत है मतलब कि टपक विधि सिंचाई या ड्रिप इरीगेशन आप मन करे हबो, का अनुदान स्वरूप आप मन एक फायदा उठाए? हाँ जैसे कि अपन कृषि सामान है ड्रिप पाइप है शासन से अनुदान कुछ मिलते कर से ले हैं, कृषि यंत्र है हंसिया है अपन नांगर है ट्रैक्टर के और ड्रिल सिस्टम है। हाँ ये सब मतलब अपन
जी जानकारी मिलते कुछ आपसे ले खरीद लेते हैं। हम एक बात तो जानना चाहबो कि एकड़ पीछे जिसे हम एमा कम से कम 20 से 25 50 हजार रुपए खर्चा करथन, हमर जन आमदनी है, हम करेला ला के बार तोड़थन, एमा कितना प्रॉफिट हो जाते, का एक लगभग अनुमानित का लाभ होते हम ला? वो तो अनुमानित खर्चा निकल जाते अपन खर्चा करके जो अपन करना है। तो नुकसान की कोई स्थिति नहीं है? नुकसान का है वो तो कुदरत के है, जो बीमारी है, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ओकर से अपन नुकसान हो जाते, इससे अच्छा है तो उत्पादन बढ़िया है तो बढ़िया कमाई हो जाते। पूरा पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो खेती किसानी के बूता में नुकसान के चांस कम है, विपत्ति आय पर ही नुकसान हो सकत हवे। ये समय में जिसे आप मन करेला खेती करत हो तो ये समय में अगर बदली बदली आ जाते तो ये में फसल का फर्क पड़ते का, मतलब कोई कौन से प्रकार के बीमारी से ग्रसित हो सकते है बदली के समय में? वही फूल फल झड़ना, गलना है, कुकड़ी होना है, पेड़ के बढ़ाव कम हो जाते, ये सब बीमारी आते बदली में। हाँ, तो हम जैसे बरसात के समय में करेला बोहन भी है, ड्रिप इरीगेशन लगाए हन, ये जन पानी के जन समय है सब टाइम उला कब कब देना होते, के घंटा हमला ड्रिप ला चला पड़ते? ड्रिप ला जैसे एक घंटा चला पड़ते बारिश के दिन में। हाँ, बारिश नहीं हो तो ज़्यादा चला पड़ते, अपन देख देख के समय में जितना जरूरत है उतना चला कि हमारे माटी की नमी बने रहा है, नमी बने रहा है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा बात बताया हो संगवारी हो, ये बात भी आप विशेष रूप से ध्यान रखो कि माटी की नमी बने रहा है, ये बात के ध्यान रखना है। और पानी ला जब भी डालना है शाम के डालना है संगवारी हो, काबर की शाम के धूप नहीं रहा है और पानी का पूरा यूज होते, धरती है पानी ला अवशोषित कर लेते। और विभिन्न प्रकार के हम ड्रिप के भी लाभ हम जानथन, जैसे कई प्रकार के दवाई हम ड्रिप के माध्यम से ही सीधा जड़ में पहुँचा देते हैं, तो ड्रिप के भी बहुत अच्छा हम लाभ ले सका था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगवारी कि आप अत्यक अच्छा जानकारी दे। संगवारी हो ये दे भीमलेश भैया किसान मन से विशेषज्ञ मन से पूछत रही से करेला के उन्नत खेती कैसे करे जाते। संगवारी हो एला आप मन देखे हो सुने हो और हमार कार्यक्रम ला आप मन देखता हो सुनता हो तो आप मन वाला बिल्कुल प्रयोग तो करबेज करत हो, लेकिन औ का बात के जानकारी आप मन ले सकत हो और हमार कार्यक्रम कैसे लागते यू बात ला मन बताए करो। तो आप मन हमार कार्यक्रम कैसे लागते ला बताए बर का करेल पड़ी आप मन ला? चिट्ठी पाती लिखे पड़ी, तो चिट्ठी पाती लिखे भर में पता ला बतावत हो ओला आप मन लिखो। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007 और ईमेल करो संगवारी हो, ईमेल के पता है program.ddk.raipur@yahoo.com। त संगी हो अवैया बेरा फिर कोनो विषय में जानकारी आप मन देवाए बर ये कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन संगोठियाए बर फिर मैं आहूँ। तब तक आप मन बढ़िया रहो, लोग लेकर पढ़ावो, आसपास साफ सफाई रखे रहो, जेकर से हमर स्वस्थ तन स्वस्थ मन के बाद बने रहे। जाए के बेरा होगे, देव विदा, जय जोहार, राम राम।